वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके प्यारे चैनल एस ऑफ दी रेस पाठशाला में। और ये आपकी मल्टीप्लिकेशन पार्ट टू। तो मैंने लास्ट में आपको सिखाया था कि बेस में डिवाइड करके आपने कैसे मल्टीप्लाई करना है डबल डिजिट्स को। अब उसका सेकंड मेथड सीखेंगे कि क्या होता है। ये दोनों मेथड ही आपने नेक्स्ट 3 डिजिट और 4 डिजिट में अप्लाई करने हैं। बस मैं उनकी प्रैक्टिस करा दूंगा आपको, वो वीडियो भी देखना ज़रूर, इसके बाद आएगी वो वीडियो। अभी सीखते हैं हम क्या अपना डबल डिजिट का सेकंड मेथड। दोस्तों, करंट अफेयर्स की वीडियो चाहिए वो भी हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आप विजिट कीजिए, बहुत अच्छे करंट अफेयर्स हैं। और उसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कीजिए। और रीसेंट अपडेट चाहिए अगर आप फेसबुक यूज़र हो तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना टाइम खराब करें। तो देखो होता क्या है, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट मेथड सिखाया था, अब दूसरा मेथड सिखाऊंगा। ये है 63 लिखी है एक डिजिट और दूसरी लिखी है आपकी 42। तो आपने करना क्या है सिर्फ, तो पहले करोगे आप किसको, 6 को 4 से, इस वाले को, ये हो जाएगा कितना 24। नेक्स्ट करोगे आप 3 को 2 से, 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, ठीक है। फिर करोगे 4 को 3 से, 4 3 जा हो जाएगा 12। और इसके ऊपर करोगे 6 को 2 से, 6 2 जा भी कितना हो जाएगा 12, ठीक है। अब होता क्या है, अब इसको आगे कैसे सॉल्व करना है। इतनी बात समझ आई किसको किससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब 24 को तो आप लिखोगे 24, इसको सॉल्व करोगे ये भी कितना लिखा जाएगा 24, और ये कितना लिखा जाएगा 0 और 6। दोस्तों सिंगल डिजिट आएगी तो आपने लिखना है 0 और 6। चलिए आगे देखते हैं, अब क्या लिखा था हमारे पास 24, और ये भी क्या है 24, और नेक्स्ट क्या था 0 6। तो बिल्कुल राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे, जो ये वाली डिजिट आपकी 6, इसको लिख लो ऐसे के ऐसे यहाँ पे, ठीक है। अब जो यहाँ पे डिजिट होगी ना वो जाके ऐड होगी इस वाले नंबर में जो कि लिखा आपका 4। तो 4 + 0 कितना होता है 4 होता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये वाली जो डिजिट बची है आपकी, ये कहाँ प्लस होगी, ये इसमें जाके प्लस होगी, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। और जो बाकी बची हुई डिजिट है उसको आप ऐसे का ऐसे ही लिख सकते हो। तो आंसर आ गया आपका 2646। मजे आए, अच्छी लगी ट्रिक, लॉजिक अच्छा लगा, तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कि लिखा है 52 प्लस में, सॉरी इनटू में 23। अब क्या सिखाया था, 5 को 2 से करना है पहले तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 2 को 3 से करना है तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 2 को 2 से करना है तो ये हो जाएगा 4, और 5 को किससे करना है 3 से करना है तो ये हो जाएगा 15। अब इनको करेंगे ऐड, ये हो जाएगा 10, ये कितना हो जाएगा 15 और 4 होता है 19, और ये होता है 0 और 6। अब इसको कैसे ऐड करना है, 10 और कितना आया था हमारा 19 और 0 6, ठीक है। अब 6 को तो कहाँ लिखोगे, अपने यूनिट प्लेस पे ऐसे का ऐसे ही आप लिख दोगे। अब ये जो बची यहाँ वाली डिजिट, इस यहाँ वाली डिजिट को आपने 0 में 9 में प्लस करना है तो ये हो जाएगा 9। अब ये वाली जो डिजिट है ये प्लस होगी किस में जाके, इसमें, तो ये बन जाएगा 1। और ये वाली डिजिट कहाँ लिखी जाएगी आपके फर्स्ट प्लेस पे, 1। तो 1 1 9 6 इस क्वेश्चन के लिए क्या हो गया आपका आंसर। आप कैलकुलेटर पे इसको चेक भी कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एक और क्वेश्चन इसी के ऊपर, 73 प्लस, बार बार मिस्टेक हो रही, इसके बाद आता है 64। अब क्या करना है, ये जो फर्स्ट डिजिट है इसको फर्स्ट डिजिट ऑफ सेकंड नंबर से क्या करना है मल्टीप्लाई, 6 7 जा 42, ठीक है फ्रेंड्स। और लास्ट डिजिट को लास्ट से मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा 3 4 जा 12। फिर क्या करना है, ये सिमिलर प्लेसेस वाले डिजिट को क्या करना है मल्टीप्लाई, 6 3 जा 18, और फिर 7 को 4 से कर दोगे तो 7 4 जा कितना होता है 28। अब इनको कर लो ऐड, ये हो गया 4 और 2, ये कितना हो जाएगा 8 और 8 16, 2 1 3 और ये 4, और ये कितना हो जाएगा 1 और 2, तो कितना आ गया 42 46 और 12। समझ आ रहा है तो लाइक करो यार वीडियो को जाके, और समझ आ रहा है तो अच्छी तरह इस वीडियो को लास्ट तक देखो जिससे कि आपकी मल्टीप्लिकेशन इम्प्रूव हो पाए। तो अब करना क्या है,
अब इस 2 को तो यूं का यूं उठा के आपको यूनिट प्लेस पे रख देना है। अब ये जो 1 है ना, इसको ऐड करना है आपने इसके अंदर, अपने 6 के अंदर। 6 और 1 कितना होता है? 6 और 1 होता है 7। अब ये जो 4 है, इसको ऐड करोगे नेक्स्ट में, तो 4 और 2 कितना होता है? 6 होता है, और बचा क्या आपके पास? 4। तो इस 4 को ऐसे कैसे लिख सकते हो आप, तो आपका आंसर आ गया 4672। कैलकुलेटर पे चेक कर लो अगर आपको भरोसा नहीं है मेरे ऊपर। तो ये था आपका सेकंड मेथड, किसके लिए? मल्टीप्लिकेशन के लिए। अपनी स्पीड को ऐसे ही इम्प्रूव करते रहो। फर्स्ट इससे पहले वाली वीडियो देखो, और मैं तो कहता हूँ बेसिक मैथ सीरीज की सारी वीडियो देखो, बेस से सिखा दूंगा बिल्कुल मैथ। ये जो केडी वाले, ये जितने भी आपके मुखर्जी नगर में इंस्टीट्यूट है ना, जो आपको पागल बना रहे हैं, सिर्फ आपको क्वेश्चन रटवा देते हैं, ये नहीं देखते बच्चे का बेसिक क्लियर है या नहीं है। और फिर वो बच्चा क्या करता है, 5 साल तक तैयारी करता है, रोता रहता है अपनी किस्मत को कि मेरा पेपर नहीं निकल रहा। यार आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना, होप नहीं छोड़नी है, मैं आपके साथ हूँ। ये वीडियो सारी देखना बेसिक मैथ सीरीज की, आपको पक्का बेनिफिट होगा इससे। चलिए अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद करते हैं अपनी वीडियो को एंड। और नेक्स्ट वीडियो में हम 3 डिजिट का यही मेथड सीखेंगे, और 3 डिजिट का अपना नॉर्मल, जो हमने इससे पहली वाली वीडियो में मल्टीप्लिकेशन सीखा था, उस डिजिट उस तरीके से इसको मल्टीप्लाई करना सीख लेंगे। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे लिखा है 94 * 28। अब 9 को किससे करना है? 2 से। कितना होता है? 9 * 2 = 18 होता है। 4 को करना है किससे? 8 से। ये होता है 4 * 8 = 32। अब 4 को करना है 2 से, 4 * 2 = 8। 9 को करना है इससे, 8 से, तो 9 * 8 = 72 होता है। अब इसको कर लो ऐड, ये बन जाएगा 3 और 2। ये कितना बन जाएगा? 8 और 2 = 10, और कैरी 1 जाएगा, तो 7 और 1 कितना हो जाएगा? 8। ये हो जाएगा 1 और 8। अब इसको करने सॉल्व करना आगे, तो ये कितना होगा? 18। और क्या आया था हमारे पास? 80 और 32। तो इस वाले डिजिट को कहाँ लिखना है आपने? यूनिट प्लेस पे एज इट इज उठा के रख देना है। इस वाले डिजिट को आगे लेके जाओगे और ऐड कर दोगे, तो ये बनेगा 3। इस वाले डिजिट को आगे लेके जाओगे और इसमें ऐड कर दोगे, तो बन जाएगा कितना? 16। और कैरी जाएगा इसके पास, ये बन जाएगा 2। दोस्तों अच्छी लगी ट्रिक, भरोसा हुआ? तो आप पूरी सीरीज देखना मैथ्स की, श्योरिटी देता हूँ आपका पेपर जरूर निकलेगा, आपकी कैलकुलेशन जरूर इंप्रूव होंगी। दोस्तों एक दिन में कुछ नहीं होता है, प्रैक्टिस करनी है कम से कम। जब 1000 क्वेश्चंस ऑफ सिंप्लीफिकेशन मैं आपको सॉल्व करा दूंगा, उसके बाद आपकी स्पीड इंक्रीज होगी और आपको फर्क दिखेगा अपने मॉक टेस्ट में। मॉक टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए इस बात पे इस वीडियो को एंड करते हैं, और लाइक कर देना, मोटिवेशन मिलता है, नई वीडियोस आपके लिए लेके आता रहूँगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखो अपना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।